हे गाइज, लास्ट क्लास तक मैंने आपको बता दिया था नॉन सुपर इम्पॉसिबल एंड सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज क्या होती हैं। एंड टाइम पर मैं आपके लिए एक टॉपिक छोड़ के गया था, POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसको हम कहते हैं तल सममिति, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम पर कहा था कि अगर POS प्रेजेंट है किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, तो हम कहेंगे वो जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, उसकी मिरर इमेज उस पर सुपर इम्पॉसिबल हो जाएगी, ठीक है। यानी कि यदि किसी कॉम्प्लेक्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है तो वो आपका सुपर इम्पॉसिबल हो जाएगा और ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ये तो मैंने कहा था आपको। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट है, तो वो आपका क्या होगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, NSI, ठीक है। सो आपका नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा, और नॉन सुपर इम्पॉसिबल का मतलब है वो आपका ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा। तो हमें एक चीज देखनी है, पहले तो हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पता करनी है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। फिर उसके बाद हमें मॉलिक्यूल में देखना है कि वो प्रेजेंट है या अब्सेंट है। अगर अब्सेंट है तो वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो जाएंगे मिरर इमेज उसके, और वही जो पेयर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, या वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंगली क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है उसको जानने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, हमेशा एक बात ध्यान रखना, किसी भी मॉलिक्यूल में POS प्रेजेंट है या एब्सेंट है, इसका पता करने के लिए आपको इमेजिनरी प्लेन क्या करना होता है, ड्रॉ करना होता है, एक इमेजिन करना होता है, एक ऐसा प्लेन इमेजिन करना होता है किसी मॉलिक्यूल में जो मॉलिक्यूल को क्या करता हो, दो इक्वल पार्ट में क्या कर देता हो, डिवाइड कर देता हो, ठीक है। एक ऐसा प्लेन इमेजिन करना है हमें कि जो मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता हो। एक जनरल सा पॉइंट बता रहा हूं, सपोज करो एक गेंद है हमारे पास। अब मैं आपसे कहूं कि क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट का मतलब कोई ऐसा प्लेन है, कोई ऐसा इमेजिनरी प्लेन है जो इसको दो इक्वल हाफ में क्या कर देता हो, डिवाइड कर देता हो, और एक हाफ दूसरे हाफ का मिरर इमेज दिखता हो, ठीक है। एक हाफ दूसरे हाफ का क्या दिखता हो, मिरर इमेज दिखता हो। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक इमेजिनरी प्लेन बनाओ इसमें कि जो इस गेंद को दो बराबर भाग में काट सकता है, तो आप बना सकते हो आराम से, ऐसे बना सकते हो। जब आप एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन देखोगे तो आप सोचो कि ऊपर का जो पार्ट होगा और जो नीचे का पार्ट होगा, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, मिरर इमेज होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि बीच में से जब इसको कट करेंगे हम तो ऊपर का पार्ट नीचे के पार्ट का जैसा होगा। यानी कि ये मान लो कि ये जो प्लेन है, अगर मैं इसको इस समय इमेजिनरी मिरर मानूं, तो ये जो इमेजिनरी मिरर है, ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट का क्या दिखेगा आपको, दर्पण प्रतिबिंब दिख रहा है, या नीचे का पार्ट ऊपर के पार्ट का दर्पण प्रतिबिंब दिख रहा है। तो ऐसा क्या केवल एक ही प्लेन यहां पर आ सकता है, नहीं, यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन आ सकते हैं। आप ऐसे भी तो काट सकते हैं इसको, अगर आप बीच में से भी प्लेन यहां से भी कट करोगे तो इसका आधा भाग इसके आधे भाग का क्या दिखेगा, दर्पण प्रतिबिंब। आप यहां से प्लेन खींचोगे तो ऊपर वाला आधा भाग नीचे वाले का दर्पण प्रतिबिंब दिखेगा। आप यहां से भी एक प्लेन खींच सकते हो, यहां से एक इमेजिनरी प्लेन बना सकते हो। So, अगर मैं कहूं यहाँ पर टोटल कितने इमेजिनरी प्लेन बना सकते हैं आप, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ, बहुत सारे बन सकते हैं, यहाँ पे बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं, जो इसको दो इक्वल हाफ में क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। तो हम कह सकते हैं ये जो इस प्रकार का कोई मॉलिक्यूल अगर है आपके पास जो गोल गेंद के जैसा है, तो हम कहेंगे इस गेंद में आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है। जैसे एक इंग्लिश लेटर ले लेता हूं मैं ए, अगर मैं आपसे कहूं कि क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है इस ए लेटर में, तो आप देखोगे कि अगर मैं यहां से एक प्लेन खींचू, यहां से इमेजिनरी प्लेन है बीच में से, ठीक है, तो ये इसको दो इक्वल हाफ में तोड़ देगा, क्योंकि एक हाफ ऐसा होगा और दूसरा हाफ बिल्कुल ऐसा ही ऐसा होगा, ठीक है, और इन दोनों को मिला करके ही तो ये ए बना है। तो अगर मैं ये कहूं कि इसके बीच में एक इमेजिनरी मिरर मैंने रख दिया है, तो ये वाला पार्ट जो है इसका मिरर इमेज दिखेगा, या ये वाला पार्ट इसका मिरर इमेज दिखेगा। तब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे देखते हैं हम किसी मॉलिक्यूल में। एक इमेजिनरी प्लेन बना रहा है, वो प्लेन उस मॉलिक्यूल को दो पार्ट में क्या कर देता हो, डिवाइड कर देता हो, और पहला पार्ट दूसरे पार्ट का क्या दिखता हो, मिरर इमेज दिखता हो, दर्पण प्रतिबिंब दिखता हो, तो हम कहेंगे कि मॉलिक्यूल में क्या है,
प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। जैसे मैं एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी केवल और केवल आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री समझा रहा हूँ, ठीक है। इसके जस्ट बाद में आपको स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बताऊंगा, उसमें कैसे हम प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे देखते हैं उसमें। मैं एक ऑर्गेनिक का मॉलिक्यूल लेने वाला हूँ जिसका नाम है मीजो टार्टरिक अम्ल, ठीक है। इसका नाम है मीजो टार्टरिक अम्ल। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इस मॉलिक्यूल में, ये जो मॉलिक्यूल है, क्या इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो मैंने क्या कहा है, आपको एक ऐसा प्लेन इमेजिन करना है जो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता हो और पहला पार्ट दूसरे पार्ट का क्या दिखता हो, मिरर इमेज दिखता हो, दर्पण प्रतिबिंब दिखता हो। तो ऐसा कोई प्लेन दिख रहा है, आप इस वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप करके आप इस चीज को देखना, खुद से देखो कि कहां से इसका कोई ऐसा प्लेन बन रहा है, ऐसा तल है इस मॉलिक्यूल में जो इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता हो। तो बिल्कुल आपको यहां से दिख रहा होगा, अगर आप इस मॉलिक्यूल को यहां से कट करोगे, कट करना नहीं है, मतलब एक प्लेन यहां से पास करवाना है, ये इमेजिनरी प्लेन है, कौन सी कि इसको काट दिया हमने, ये इमेजिनरी प्लेन है। इस प्लेन के ऊपर और इस प्लेन के नीचे दोनों के दोनों जो पार्ट हैं इस मॉलिक्यूल के, वो एक दूसरे के मिरर इमेज है कि नहीं। आप ये देखो ना, इसी प्लेन को अगर मैं दर्पण प्रतिबिंब मान, दर्पण मान लूं, एक मिरर मान लूं, तो ये मॉलिक्यूल, ये मान लो ये वाला पार्ट अगर मैंने मिरर में रखा हुआ है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब ऐसे तो बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये एक ऐसा प्लेन है जो इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। हम कहेंगे यहां पर क्या है, आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। तो किसी भी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या अब्सेंट है, उसका पता हमें कैसे चलता है, हमें उस मॉलिक्यूल में एक इमेजिनरी प्लेन ड्रॉ करना होता है, और वो इमेजिनरी प्लेन ऐसा होना चाहिए जो उस मॉलिक्यूल को क्या करता हो, दो इक्वल पार्ट में क्या कर देता हो, डिवाइड कर देता हो, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये कर देता, अगर मैं ऐसे लिखता और अब आपसे मैं पूछूं कि क्या इसमें कोई प्लेन ऐसा है जो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हो, तो आप सोचो कि सर यहां से खींचेंगे तो ये इक्वल पार्ट है, तो बिल्कुल इक्वल पार्ट नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको मिरर मान लूं तो मिरर में ये OH के नीचे OH दिखना चाहिए था, दिखना चाहिए था, नहीं दिखना चाहिए भाई, ये OH यहीं पे दिखना चाहिए था, लेकिन OH की जगह H दिख रहा है, और H की जगह क्या दिख रहा है, OH दिख रहा है, तो हम कहेंगे यहां पर POS नहीं है। अगर यहां पर POS मौजूद नहीं है, तो POS नहीं होने का मतलब आपको पता है ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होगी, इसका जो दूसरा वाला पार्ट होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर मैं इसको कहूँ ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, तो आप देख रहे हो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है मतलब नॉन सुपर इम्पॉसिबल नहीं होंगे ये, ठीक है, ये सुपर इम्पॉसिबल होंगे एक दूसरे पर, और अगर ये सुपर इम्पॉसिबल होंगे तो ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, बस इतना ही डिफरेंस है, और कोई खास डिफरेंस नहीं आता है। तो आपको बस एक चीज चेक करनी है यहाँ पे, POS प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री देख करके आपको पता करना है, अब्सेंट हो तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं उनमें हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे देखते हैं, उनमें हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे पास करवाते हैं, ये अब हम देखना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, आपको एक चीज लिखनी है, मोस्ट ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ड्यू टू POS। मैंने क्या कहा, जितने भी प्लेनर मॉलिक्यूल होंगे उसमें तो आपका POS प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा ही होगा, ठीक है। इसलिए मोस्ट ऑफ जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि प्लेनर जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें कहां पर आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो है या प्लेनर जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें क्यों हर समय POS प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसको समझने से पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताने वाला हूं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सपोज करो सेंटर मेटल एटम से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस है, ये सेंटर मेटल एटम से माना कि चारों के चारों लिगेंड सेम जुड़े हुए हैं, ठीक है, चारों के चारों लिगेंड सेम जुड़े हुए हैं।
आप इसकी मिरर इमेज देखो पहले तो, ठीक है। अब मैं आपको मिरर इमेज के साथ साथ सारी बातें एक साथ बताऊंगा, मिरर इमेज भी बताऊंगा और पीओएस भी बताऊंगा। आप इसकी मिरर इमेज देखोगे तो आपको ऐसी कैसे दिखेगी, यहां एम दिखेगा और यहां दिखेगा आपको ए, यहां दिखेगा आपको ए, यहां दिखेगा आपको ए और यहां दिखेगा आपको ए, ठीक है। ये आपको ए ए ए दिख जाएगा चारों चारों। अब इसका मिरर इमेज ये है, क्या ये एक दूसरे पर नॉन सुपर इम्पॉसिबल है? आप देखो, अगर आप इसको उठाओगे और इसके ऊपर रखोगे तो M के ऊपर M आएगा, A के ऊपर A 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 आएगा, तो हम कहेंगे ये दोनों क्या हैं आपके, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है। यहां से एक बात तो आपको समझ में आ गई, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। अब मैं आपको पीओएस से भी समझा देता हूं। अगर आप पीओएस देखते तो आपको पहले ही पता चल जाता है ये सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है। अब पीओएस कैसे देखते हैं, आप कोई सा भी प्लेन खींच लो, इसमें आप यहां से इसको कट करते तो आपको ये दो इक्वल हाफ में नजर आता। कैसे नजर आता, देखो यहां से कट किया, ऊपर ए ए बचा, नीचे भी ए ए बचा, ठीक है। अगर आपको पीओएस में कंफ्यूजन हो रहा है कि सर ये एन में से कैसे गुजरा, तो आप एक बात मान के चलो, जितने भी एटम या जितने भी ग्रुप आपको दिख जाए उन ग्रुप को आप एक गोला मान के चलो, यानी कि एक सेंटर का गोला है और इस गोले से कितने गोले जुड़े हुए, चार गोले जुड़े हैं, चारों के चारों गोले सेम है कि नहीं है। अब ये अगर चारों के चारों गोले सेम है ना, ये चारों के चारों गोले सेम है, तो अगर मैं यहां से इसका प्लेन काट दूं तो ये आधा गोला ऊपर हो जाएगा, आधा गोला नीचे हो जाएगा, और क्योंकि ये दोनों गोले और ये दोनों गोले सेम है, तो आप ये मान के चलो ना, इसको मिरर मान लो, अगर आप इमेजिनरी मिरर, इसी प्लेन को आप इमेजिनरी मिरर मानोगे तो आपको दिख जाएगा ये आधा इस आधे का क्या है, मिरर इमेज है। तो यहां पर क्या आपका पीओएस है, क्या एक ही पीओएस है? नहीं, यहाँ पे एक और पीओएस भी बन जाएगा आपका, यहां से भी पीओएस कट जाएगा। अब यहां से बीच में से काटोगे तो इधर ए ए बच जाएगा, इधर ए ए बच जाएगा, मतलब आप ऐसा भी तो काट सकते हैं ना इसको। अच्छा, इतने ही पीओएस है? नहीं, एक और पीओएस है, आप यहां से भी तो काट सकते हो इसको इक्वल हाफ में, ऐसे काट सकते हो? नहीं काट सकते, यहां से बीच में से आधा आधा, तो ये वाला इधर चले जाएगा और ये वाला ए इधर चले जाएगा, मतलब मैं इसको यहां से भी काट सकता हूं। तो देखो, तीन पीओएस तो आपको डायरेक्ट दिख चुकी है इसमें, डायरेक्ट की डायरेक्ट। इसके अलावा भी पीओएस आती है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, वो मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा। तो देखो, इसमें पीओएस, ये भी पीओएस प्रेजेंट है, यहां से देखो पीओएस प्रेजेंट है, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो हम ये कहेंगे कि आपका क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस को मैंने पहले कहा ना, ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री ये आपके क्या होते हैं, ऑप्टिकली क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। यहां तक तो बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हम लिगेंड को चेंज कर देते हैं। हम क्या करते हैं, इसमें से एक लिगेंड को चेंज कर देते हैं, तीन को सेम रखते हैं, एक को, तीन लिगेंड को सेम रखूंगा मैं, एक को चेंज कर दूंगा, ठीक है। यानी कि मैं एम ए थ्री बी टाइप की बात करने वाला हूं। देखो, अब एम ए फोर टाइप से एक बात समझ में आ गया आपको, एम ए फोर टाइप के जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैं, जी आई इनमें प्रेजेंट नहीं होता है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव भी होता है, ठीक है। जी आई भी प्रेजेंट नहीं है और ऑप्टिकली इनएक्टिव भी है, ऑप्टिकल इनएक्टिव भी है, ठीक है। एम ए थ्री बी टाइप में देखो, अब आप लोग एम ए थ्री बी टाइप में जब आप लोग जाओगे तो ये मान के चलो ये रहा आपका मेटल, और मेटल से जुड़ा हुआ है ए, यहां जुड़ गया सपोज करो, दूसरा ए यहां जुड़ गया सपोज करो, तीसरा ए यहां जुड़ गया, और चौथा वाला जो है ये बी यहां जुड़ गया सपोज दैट, ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा कि अगर मैं इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करूं तो मिरर इमेज कुछ इस प्रकार से ड्रॉ होगी, ए ये आ जाएगा आपका M, ये आ जाएगा आपका A, ये आ जाएगा, यहां आ जाएगा B और यहां आ जाएगा आपका A, आएगा कि नहीं आएगा? मैं कहूं क्या ये एक दूसरे पर सुपर इम्पॉसिबल हो रहे हैं? आपने देखा M को उठाया, M को उठा करके यहां रखा, आपने क्या देखा, A के ऊपर A आया लेकिन इस A के ऊपर B आया। आप कहोगे सर ये तो सुपर इम्पोज हो ही नहीं रहा है, लेकिन मैंने आपको एक बात कही थी, क्या कही थी, इसको हम क्या कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं। अगर आप इसको रोटेट करोगे ना, ऐसा करके रोटेट करके इसके ऊपर रख दोगे तो ये वाला भी इसके ऊपर आ जाएगा, यानी कि ये भी सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बन जाएगी एक दूसरे की दोनों सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बन जाएंगी, आराम से बन जाएंगी, रोटेट करके देख लो आप लोग। भाई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है ना, किसी को कैसे भी घुमा दोगे ना तो वो आपका मिरर इमेज पे क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोज होने वाला है। तो मैंने कहा ना, आप रोटेट करने में आपको दिक्कत आएगी, प्रत्येक टाइम पे आप रोटेट करके थोड़ी ना देख सकते हो कि ये सुपर इम्पोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको एक चीज देखना है, आपको पीओएस देखना, पीओएस लगा दो, इसमें पीओएस लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर आप यहां से पीओएस लगाओगे
तो आपको पीओएस नहीं दिखेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर यहाँ से आप प्लेन खींचोगे तो ये इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड हुआ, क्योंकि इधर ए है इधर भी है, नहीं हो रहा है ना। अगर आप यहाँ से कट करोगे तो ये भी इक्वल हाफ में नहीं की, क्योंकि यहाँ ए है यहाँ बी है, मतलब यहाँ से आपने कट किया तो कट ऊपर वाले भाग में ए बच गया, नीचे वाले भाग में बी बच गया, तो ये भी आपका पीओएस नहीं है। यानी कि यहाँ से पीओएस नहीं आया, यहाँ से पीओएस नहीं आया, लेकिन यहाँ से तो आएगा। जब आप इसको यहां से कट करोगे तो मैंने कहा ना, इसको भी एक बॉल मान के चलना है, इसको भी एक बॉल मान के चलना है, तो इस बॉल का आधा आधा भाग हो जाएगा, और ये तीन बॉल है, ये भी बॉल है, तो ये तीनों बॉल आधे आधे भाग में, इनका आधा भाग ऊपर आधा भाग नीचे, और ये वाला ए है और ये वाला ए है, ये तो दोनों सेम है, तो यहां से प्लेन कट कर रहा है, प्लेन कट कर रहा है मतलब पीओएस प्रेजेंट है, और पीओएस प्रेजेंट है तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल नहीं हो सकता है, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, यानी कि ये भी आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, तो रोटेट नहीं कर सकते ना बार बार, अभी रोटेट करना आना भी तो चाहिए हर स्टूडेंट को, ठीक है, इसलिए आप बस पीओएस देखो, पीओएस अप्लाई कर दो इसमें। अच्छा, अगर मैं ऐसा करूं कि एम ए टू बी टू टाइप ले लो, सो एम ए टू बी टू टाइप के दो जी आई बनते हैं, अगर आपको ध्यान हो, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं ना, सिस और ट्रांस। अब यहां देखो, अगर आप इसके सिस बनाओ या ट्रांस बनाओ, सिस बनाए पहले, चलो सिस पे देखते हैं, क्या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के जो सिस फॉर्म होते हैं, यही तो होते हैं सिस फॉर्म, ठीक है, जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के सिस फॉर्म है वो आपके ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। तो अगर आप सिस फॉर्म को देखोगे तो बिल्कुल ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि यहां से प्लेन कट कर रहा है बेटा, यहां से प्लेन कट कर रहा है, तो देखो ये इक्वल हाफ हुआ कि नहीं हुआ, बी ऊपर बी नीचे, ए ऊपर ए नीचे, तो ये मिरर इमेज हुई कि नहीं हुई, भाई ऊपर वाला भाग नीचे का मिरर इमेज हुआ कि नहीं हुआ, तो सिस फॉर्म में आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है भाई, ओआई ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अच्छा, ट्रांसफॉर्म देखे अगर, तो ट्रांसफॉर्म में आप ये देखते हो कि एक साइड बी आ जाता है, दूसरी साइड भी आ जाता है, ये 180 डिग्री पर होते हैं बी बी, है ना, और ए यहां हो जाएगा, ए यहां हो जाएगा। अब आपको देखने से लगेगा कि सर हम यहां से काटेंगे तो ये इक्वल हाफ में नहीं कट रहा, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, यहां से प्लेन नहीं जा रहा है, क्योंकि ऊपर बी बच गया, नीचे ए है, यहां ए है, यहां बी है, यहां से अगर आप प्लेन लोगे तो यहां से भी पीओएस नहीं मिलेगी आपको, क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि इधर ए है इधर बी है, तो क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रही है, मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है, आप यहां से कट करो ना, जब आप यहां से कट करोगे तो ये वाली गेंद और ये वाली गेंद दो इक्वल हाफ में कट जाएगी, और ये गेंद तो सिमिलर है ही, ये वाली गेंद भी यहां से तीनों गेंद आधी आधी कट के ऊपर नीचे आ जाएगी, और ये वाली गेंद और ये वाली गेंद तो सिमिलर है, इसलिए यहां पर पीओएस आ जाएगा। क्या एक ही पीओएस आएगा, नहीं, यहां से भी कट करो ना, यहां से भी तो कट हो रहा है, ये दो इक्वल हाफ में कट जाएगा, तो बिल्कुल यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां प्रेजेंट है, तो इसकी सिस फॉर्म बोले चाहे ट्रांसफॉर्म बोले, ये आपकी क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है भाई, हर जगह प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है बेटा, और हर जगह प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, मतलब ये आपका क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकली करवा के दे रहा हूँ, केवल थियोरेटिकली नहीं समझा रहा हूँ कि हाँ किताब में लिखी हुई बात है कि पीओएस प्रेजेंट होता है, इसीलिए मैं आपको बता के दे रहा हूँ कहाँ कहाँ पीओएस प्रेजेंट है इसकी, ठीक है। तो पीओएस प्रेजेंट है, दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहे हैं, इसीलिए ये आपका क्या है, ऑप्टिकल इनएक्टिव है। अच्छा, एक और एग्जांपल मैंने बताया था, एम ए बी सी डी। अब आपको प्लेन बताना पड़ेगा, ये रहा सपोज करो ए, ये रहा बी, ये रहा सी, और ये रहा डी। अगर चारों के चारों लिगेंड डिफरेंट हो जाएं, तब आप कहोगे सर ले ये खींचा आपने प्लेन, ये ए है, ये डी है, ये बी है, ये सी है, पीओएस नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए, आप सही कह रहे हो। आप कहोगे सर यहां से भी पीओएस नहीं आए, क्योंकि अगर आप यहां से प्लेन कट करोगे तो यहाँ ए रहेगा, यहाँ बी रहेगा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, यहां से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही है। आप कहोगे सर लो यहां से भी कट करेंगे तो यहां से भी पीओएस नहीं आएगी, नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि इधर बी बचेगा इधर डी बचेगा, इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हुआ। आप यहां से कट करोगे, आप कहोगे सर यहां से भी पीओएस नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई, क्यों नहीं आई, क्योंकि ये ए बचेगा यहां सी बचेगा, आपने सही कहा। इसका मतलब क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है, नहीं बेटा बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं है मैं बताता हूं। ये ए था, ये बी था, ये सी था, और ये क्या था, डी था, और ये आपका प्लेनर था, और अगर प्लेनर मॉलिक्यूल है तो मैंने आपको कहा था प्लेनर मॉलिक्यूल में अगर आपके
सिमेट्रिक मोनोडेंटेट लिगेंड जुड़े हुए हैं तो प्लेनर मॉलिक्यूल में ऑलवेज क्या होने वाला है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आने वाला है। कैसे बताओ कैसे, अब मैं बताता हूं। हमने क्या, मैंने क्या कहा था, इनको सबको गेंद मान के चलो। देखो ये गेंद है सेंटर पे, ये वाली गेंद माना कि अलग है, ये वाली गेंद अलग है, ठीक। अच्छा इसको हम कलर से समझाता हूं मैं आपको, ठीक है, क्योंकि चारों के चारों लिगेंड अलग है ना, आप सही समझ रहे हो, ठीक है, चारों के चारों लिगेंड अलग है। माना कि ये ग्रीन गेंद है, ये रेड गेंद है, यही तो है ना, क्योंकि अलग अलग लिगेंड है तो मैंने अलग अलग कलर ले लिया आपके लिए, ठीक है। ये माना कि ब्लू गेंद है और ये बॉल जो है आपकी कैसी है, कौन सी बची हुई, येलो, ये येलो है और ये सेंटर मेटल आइटम है, ठीक है, सेंटर मेटल आइटम तो कोई बात नहीं, तो इक्वल हाफ में कटने वाला है, ठीक है। अब ये चारों के चारों लिगेंड क्या है, अलग अलग है, तो आपने सही समझा है कि सर अगर आप यहां से कट करोगे तो इसके आधे पार्ट में तो रेड वाली गेंद रह जाएगी और इधर येलो वाली गेंद रह जाएगी, बात सही है, इधर ग्रीन रहेगी इधर ब्लू रहेगी। आप यहां से कट करोगे तो ग्रीन और रेड हो जाएगी, तो इक्वल तो हो नहीं रहा है। यहां से भी कट करेंगे तो ब्लू आधी आधी हो जाएगी, रेड आधी आधी हो जाएगी और ये वाली गेंद माने की ब्लैक है, ब्लैक भी आधी आधी हो जाएगी। इनकी तो मिरर इमेज बनेगी लेकिन इन दोनों की मिरर इमेज नहीं बनेगी क्योंकि ग्रीन का रिफ्लेक्शन येलो से दिखेगा, तो ये तो मिरर इमेज नहीं बनी। और अगर आप यहां से भी काटोगे तब भी वही कंडीशन आने वाली है, ब्लू का रिफ्लेक्शन में आपका मिरर इमेज जो दिख रहा है वो रेड दिख रहा है, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। आप सही समझ रहे हो, बिल्कुल सही समझ रहे हो, लेकिन आप एक प्लेन छोड़ दियो। ये रहा सेंटर पर ब्लैक गेंद, ये रही येलो गेंद, ये वाली, यहां रही आपकी रेड गेंद, यहां रही आपकी ग्रीन गेंद और यहां रही आपकी ब्लू गेंद, रही कि नहीं रही। अब अगर मैं यहां से कट कर दूं इसको, मतलब सभी गेंद को बीच में से कट, क्योंकि ये प्लेनर है ना, देखो स्क्वायर प्लेनर है, ऐसा प्लेन है, प्लेन में एक रेड बॉल है, एक में येलो बॉल है, एक में ग्रीन बॉल है, एक में ब्लू बॉल है। अगर मैं इनके यहां से बीच से कट कर दूं तो बीच से कट करते हुए, मतलब मैं ऐसा करूं कि इसको यहां से कट करते हुए ले जाऊं, तो रेड गेंद आधी पीछे रह जाएगी, रेड गेंद आधे आगे आ जाएगी, समझ रहे हो, ग्रीन गेंद आधी पीछे रह जाएगी आधी आगे आ जाएगी, ब्लैक गेंद आधी पीछे आधी आगे, यानी कि सबके बीच में से प्लेन गया है, सबके बीच में से, मतलब प्लेनर ये है ना, प्लेनर यहां से प्लेन गया है, तो प्लेन ने इन सबको इक्वली बार में डिवाइड कर दिया, यानी कि मैं ये कर रहा हूं ऐसा वाला प्लेन आएगा इसमें, ऐसा वाला, ऐसा वाला बोले तो इसके बीच में से काट करके ले जाएगा इसको, तो ए के दो पार्ट हो जाएंगे, बी के दो पार्ट हो जाएंगे, सी के दो पार्ट हो जाएंगे, डी के दो पार्ट हो जाएंगे और एम के दो पार्ट हो जाएंगे, दोनों के दोनों पार्ट एक दूसरे के क्या दिखेंगे, मिरर इमेज दिखेंगे, यानी कि इसमें भी पीओएस प्रेजेंट होगा, और अगर इसमें पीओएस प्रेजेंट होगा तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अब आप कहोगे सर आपने तो MA2 टाइप, MA2B2 टाइप, MA4 टाइप, MA3B टाइप में, MA2B2 टाइप में, साथ साथ में आपने MABCD टाइप में, सब में आपने बता दिया कि प्लेन प्रेजेंट पास हो रहा है, तो आपने मोस्ट ऑफ द केस क्यों कहा, आपने ऐसा क्यों नहीं कहा कि डायरेक्टली, ये क्यों नहीं कहा कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं क्योंकि उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। ऐसा मैंने इसीलिए नहीं कहा है, मैंने मोस्ट ऑफ द केस इसीलिए कहा है क्योंकि जरूरी थोड़ी ना लिगेंड भी आपका प्लेनर और सिमेट्रिक हो जाएगा, भाई मॉलिक्यूल तो प्लेनर है, कॉम्प्लेक्स तो प्लेनर है, लेकिन अगर लिगेंड सिमेट्रिक नहीं हुआ तो तब तो हम उसमें पीओएस प्रेजेंट नहीं करवा सकते ना, तो उस समय पीओएस प्रेजेंट नहीं हो पाएगी। कब, जब क्या होंगे, आपके जो लिगेंड होंगे वो एसिमेट्रिक हो जाएंगे। अगर एसिमेट्रिक लिगेंड आ गए, कभी कभार ऐसे लिगेंड आ जाए, तो जो थोड़ा बड़े लिगेंड होते हैं और एसिमेट्रिक होते हैं तो उसमें पीओएस प्रेजेंट कराना पॉसिबल नहीं होता है, वहां पर पीओएस प्रेजेंट नहीं होती है, यानी कि वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बन जाते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बन जाते हैं, और अगर वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनेंगे तो वो आपके ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। इट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आप यहां से देख सकते हो कि अगर आपका सेंटर मेटल एटम से ऐसे लिगेंड जुड़ गए जो आपके क्या हो, आपके सिमेट्रिक नहीं हो, तो वहां पर आपका नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनता है और वो आपके ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूं बस, हालांकि ये किताब में है नहीं आपके, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो सारे के सारे होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, कहीं कहीं पर ऑप्टिकली एक्टिविटी आ जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूं जो ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, वो एग्जाम्पल में बता देता हूं। ये आपका NH2, यहां आ जाएगा आपका CH2, HH, ये आ जाएगा आपका NH2 और ये आ जाएगा आपका C, H2 की जगह यहां पर CH3 आ जाएगा।
मतलब इथाइलिन डायमीन है ना, इथाइलिन डायमीन के दो एच को मैंने हटा करके दो सी एच थ्री लिख दें, यहां से आ जाएगा आपका एन एच टू, ठीक है, यहां से आ जाएगा आपका एन एच टू और ये आ जाएगा बेटा आपका सी एच, एक एच लिख दो एक पी एच लिख दो यहां पे, और इसमें भी एक एच लिख दो एक पी एच लिख दो। ये अगर मैं इसका मिरर इमेज दूंगा ना तो इसका मिरर थोड़ा बड़ा हो गया मॉलिक्यूल, आप लोग अपनी कॉपी में देख लेना आपको समझ में आ जाएगा। इसका जो मिरर इमेज बनेगा कॉम्प्लेक्स पर टू पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगा और ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो मोस्ट ऑफ द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं बट कुछ एक ऑप्टिकली एक्टिव भी होते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में आपको ऑक्टाहेड्रल वाला बताऊंगा, उसके बाद में आपको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बताऊंगा, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।